हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिन की शुरुआत हमेशा की तरह होती है मेरे पानी पीने के साथ। इसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह होके मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर आंटी हमें नाश्ते के लिए बुला लेती है। तो नाश्ते में बना था आज पोहा और चाय, काफ़ी टेस्टी पोहा था। पोहा खाने के बाद थोड़ी देर बाद में मैं अपना वर्कआउट चालू करती हूँ, उसकी क्लिप मैंने खुद नहीं ली, भूल गई मैं। फिर वर्कआउट किया, इसके बाद नहा धो के फिर हमने लंच किया था। लंच में आज थी रोटी, सब्जी, भिंडी की सब्जी और दही, काफ़ी अच्छा टेस्ट था सब्जी का और खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ का हमेशा की तरह। फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर बाद उठी सो के, तो फिर मैंने पिया था ये अमूल कूल का दूध जो मुझे काफ़ी पसंद है, वर्कआउट का सत्यानाश करते हुए। फिर शाम की चाय मैंने पी, चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और बोर भी हो गए थे हम लोग हॉस्टल में रहते रहते, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर गए घूमने के लिए। फिर ये मुझे खींच के ले गई अपने कॉलेज, BN कॉलेज, जहाँ पर ये पढ़ती है मेरी रूममेट। पता नहीं वो क्यों वहाँ पर ले गई थी, क्या दिखाने पर ले गई थी, फिर मैं भी उसके साथ गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको अंदर से देखा था, बाकी मैंने हमेशा इसको बाहर से ही देखा है। काफ़ी अच्छी बड़ी कॉलेज थी। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे लगे हैं बड़े बड़े और काफ़ी एकदम हरियाली सी है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये कॉलेज दिखने में। बाकी मैंने इसमें पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं कैसा है ये। ये मेरी रूममेट आगे आगे जा रही है, फिर पता नहीं उसका क्या मूड हुआ, आधे रास्ते से मुझे वापस ले आई बाहर की तरफ। फिर बाहर आने के बाद हमारा मन हुआ कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो मैंने खाया तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ पी ज़रूर लिया था फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक। इसको पीने के बाद यार मुझे आज काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मैं इसमें 10-20 रुपये का था छोड़ के आ गई थी, मतलब मैं इसको पूरा साफ़ नहीं कर पाई। फिर मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आई कि काश वो होते तो मैं इसको भी पूरा साफ़ कर देती। लाइफ में कुछ लोग होते हैं ना जिनके सामने बोलने या करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, तो मेरे वो कुछ लोग अभी मेरे साथ में नहीं थे। फिर मैंने ये नारियल पानी लिया कल के लिए, इसको मैं कल पीऊँगी सुबह में। फिर मैं गई थी मंदिर, मंदिर जाने के बाद में मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जो भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेगा आप उसकी एक विश ज़रूर पूरी करें। फिर शाम का खाना बन चुका था, आज खाने में थी मूँग की दाल, रोटी और चावल और अचार। आंटी देखो कितने प्यार से गर्मा गर्म रोटी सर्व कर रही है मेरी थाली में। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर छत पे घूमने के लिए आ गई थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और एकदम बिजली भी कड़क रही थी, देखो बारिश ही नहीं आ रही थी बस। गाइस हमारे हॉस्टल के सामने कुत्ता है जर्मन शेफर, जिसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अलार्म की तरह सुबह शाम इतना भोंकता है, शायद इसको कोई प्रॉब्लम होगी। खैर अभी तो ये चुप था। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।